काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। कुछ इन्हीं नारों के साथ मतदाता जागरूक अभियान चलाकर आला अधिकारियों ने महिलाओं को मतदान के प्रति जागरूक किया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से हमीरपुर जनपद के राठ ब्लॉक में मतदाता जागरूक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमीरपुर जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश, पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी संतराम व उप जिलाधिकारी सुरेश कुमार सहित कई आला अधिकारियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। मतदाता जागरूक कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से महिलाओं को जागरूक करते हुए कहा कि 29 अप्रैल 2019 को मतदान होना है, इसमें महिलाएं शत प्रतिशत मतदान करें और सारे काम छोड़कर सबसे पहले वोट करें। आला अधिकारियों ने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि निर्भीक होकर बूथों पर जाकर बिना किसी लालच और दबाव के मतदान अवश्य करें, क्योंकि यह चुनाव किसी भी पर्व से कम नहीं है। इस कार्यक्रम में मौजूद तमाम लोगों को मतदान करने हेतु शपथ दिलाई गई। जो भी साधन उपलब्ध हो, कोई भी, हमारा बूथ इतना दूर नहीं है कि वहां पैदल भी ना पहुंचा जा सके। हाँ, हो सकता है 1 किलोमीटर किसी को चलना पड़े, 1.25 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक चलना पड़े, लेकिन इससे ज्यादा नहीं है। 29 अप्रैल को आज तो ईश्वर के पास से बड़ा अच्छा मौसम हो गया, अभी बरसात के कारण थोड़ी आप लोगों को परेशानी का सामना पड़ना पड़ा, लेकिन अभी इस वक्त तापमान बड़ा कम, ठीक है, अच्छा है। लेकिन 29 अप्रैल को हो सकता है ऐसा मौसम न रहे, गर्मी का समय है, 44-45 डिग्री का तापमान हो जाएगा दिन के समय, लेकिन सुबह के समय इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। तो मतदान करने का जो सबसे बढ़िया समय है वो सुबह के समय है, सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो जाएगा। अलग जगाएं, मतदान कराएं, मिलकर अलग जगाएं, मिलकर मतदान कराएं, देश के भाग्य विधाता बन जाओ प्यारे मतदाता, देश के भाग्य विधाता बन जाओ प्यारे मतदाता, करेंगे यदि मतदान होगा बहुत बड़ा नुकसान, करेंगे यदि। हमीरपुर से मोहम्मद मुख्तार की रिपोर्ट।